मूंगफली के दाने का छिलका यानी भूरे रंग की भूसी जिसे हम टेस्टा के नाम से भी जानते हैं बड़े काम की निकली। मूंगफली के दाने से रंग बनाने में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि महाविद्यालय ने कामयाबी पाई है। साथ ही यह रंग अधिक टिकाऊ स्किन फ्रेंडली है। इसमें अल्ट्रावायलेट को रोकने के साथ धूप को भी असर करने की क्षमता है। यह शोध विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ होम साइंस विभाग ने किया है जिस पर मान्यता की मुहर भी लग गई है। और वो जो पानी है उस पानी को फिर जो है दोबारा से उस पानी को सुखा लेंगे थोड़ा सा हीट करके ये हॉट एयर ओवन में, तो ये डाई पाउडर हमें मिल जाएगा। ये पीनट खरीदते हैं तो घर में भी रोस्ट करते हैं। तो किस तापमान पे इसको गर्म करते हैं आप लोग? इसको हम 100 डिग्री पे बॉयल करेंगे, जो है 1 आवर्स तक बॉयल करेंगे तो पानी में इसका कलर आ जाएगा। उस कलर में ही ये कपड़े डाई किए गए हैं 30 मिनट तक 90 डिग्री सेल्सियस। पाउडर ये आ जाएगा, बिल्कुल डार्क पाउडर आ जाएगा। और ये पाउडर ही हमने इसके यूज किया है यहाँ पे जो है। तो बाद में ग्राइंड क्या क्या सुखाने वाली है? नहीं, ये पाउडर ही बस पानी से पाउडर ग्रेन्यूल्स निकलेंगे, डाई पाउडर ही निकलेगा पानी को ड्राई करने के बाद। तो ये इसमें और ये रूम टेम्परेचर पे आए हैं, इसमें लाइट कलर है। तो इनकेस अगर हमें शेड का वेरिएशन करना है, लाइट टेम्परेचर पे देना है, तो हम विदाउट हीटिंग को हमें शोधन करना होता है और शोध करके हम उन रंगों को उन से निकाल लेते हैं। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो है हमें प्राकृतिक रंग मिलता है, दूसरा फायदा ये होता है कि जो शोधन के बाद अवशेष बचते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं कि उनको सीधे सीधे हम लोग एक फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और जो रंग होते हैं उनका उपयोग हम लोग न सिर्फ कपड़ों को रंगने के लिए बल्कि उसका उपयोग हम मेडिकल फील्ड में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत सूदिंग होते हैं और कई सारे कलर्स ऐसे होते हैं जो कि घाव जो शरीर में किसी तरीके से हो जाते हैं उन घावों को भरने में भी सहायक होते हैं। उसमें